हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही लेटेस्ट नेक डिजाइन। तो नेक डिजाइन बनाने के लिए ये हमने बुकरम ले ली है, तो 8 इंच चौड़ी है और 8 इंच ही लंबी बुकरम ली है हमने। इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है और 3 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे की तरफ हम करेंगे 7 इंच पर मार्क। और ये मार्किंग करके इन्हें हम आपस में लाइन अप कर देंगे। और इसको राउंड शेप दे करके हम गोल गला कट करेंगे। तो ये हमने राउंड शेप दे दिया है और बाहर की तरफ 1 इंच रखते हुए एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे। तो ये हमने एक्स्ट्रा बुकरम कट कर दिया और अंदर की तरफ जो हमने लाइन अप किया है राउंड शेप में उसे भी कट कर देंगे। तो ये हमारा गोल गला कट कर बुकरम पर तैयार हो गया है। इसे हम कपड़े पे पेस्ट करके, ये हमने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है और बाहर का एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हम इसे बीच से मोड़ेंगे और सेंटर का निशान लगाएंगे कट करके और नीचे की तरफ चौक से लगा देंगे। अब कुर्ती का कपड़ा लेंगे, उस पे हम बिल्कुल सेंटर मार्क करते हुए इसको रखेंगे और बुकरम के किनारे किनारे सिलाई चलाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं ये पिन अप करे ले रही हूँ ताकि गला टेढ़ा मेढ़ा ना हो और इधर उधर ना भागे। आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके बीच में भी सिलाई लगा करके इसे रोक सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सिलाई चला करके ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको बीच से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, एक पैर का मार्जिन का कपड़ा रखते हुए और छोटे छोटे कट के निशान लगाएंगे ताकि हमारे फोल्ड करने में कोई चुन्नट वगैरह ना आए। ये हमने कट लगा लिए हैं। कट लगाते समय ध्यान रहे आपकी सिलाई ना कटे, नहीं तो बेकार हो जाता है गला। अब हम इसे सीधा करते हुए किनारे किनारे सिलाई चला लेंगे। आप चाहे तो इस पर लेस वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल कुछ नहीं लगा रही हूँ। मुझे बस डिजाइन दिखाना है आपको बना करके, और उसके बाद आप चाहे जो कुछ भी इसमें अटैच कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है। तो ये मैंने सिलाई चला करके कंप्लीट कर ली है। और अब मैंने लिया है डोरी, तो पहले मैं इस तरह से मार्क करूंगी डिजाइन बनाने के लिए। आप चाहे तो बिना मार्क के भी सेंटर पॉइंट देख करके बना सकते हैं, लेकिन मैं मार्क करके दिखा रही हूँ। तो ये मैंने डोरी ली है जो हम सूट वगैरह में लगाते हैं। तो 3 लड़ ली है मैंने डोरी की, दोनों तरफ तीन तीन करके, और इस तरह मैं रिंग बनाती जाऊंगी और सिलाई चलाती जाऊंगी। रिंग बनाते समय ध्यान रहे रिंग छोटे बड़े ना हो, एक सार बने, नहीं छोटे बड़े बनेंगे तो वो अच्छा लुक नहीं देंगे, बिल्कुल एकदम फोड़ वाला लुक देंगे। तो इस तरह से हमें पूरे गले पे जो हमने मार्क किया है उस पे हमें ये रिंग बना लेने हैं फटाफट फटाफट। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो ये मैंने रिंग बना करके तैयार कर लिए हैं। तो मैं कंप्लीट डिजाइन करूंगी रिंग बना करके। आप भले ही चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन ये रिंग बिल्कुल एकसार बनने चाहिए, तब ये अच्छी डिजाइन लगेगी। अगर आप ज्यादा छोटे बड़े करोगी, कहीं छोटा कहीं बड़ा, तो ये डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट नहीं लगेगी और अच्छी भी नहीं लगेगी। तो इसलिए इस तरह से
बिल्कुल एक सार विंग बनाने हैं। तो इस तरह मैंने ये डिजाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है डोरी से और मोती से। तो ये मैंने इसके बीच में जो रिंग बनाए थे उसमें मोती लगा दिए हैं, और इस तरह से मैंने पुन्ना वगैरह लगा करके ये रेडी कर लिया है। आप भी अपने नेक डिजाइन को इसी तरह सुंदर बना सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस